मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, शायरी का नाम हो, गुलुकारी हो, और मैं समझता हूँ कि सरह की वसेब में इनका बड़ा नाम है। पूरे पाकिस्तान के जो गुलुकार हैं वो आज अगर शोहरत पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इनका बड़ा किरदार है। बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, इनसे आज शायरी भी सुनेंगे और इनसे बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं, गुलुकार भी हैं, हम इनसे कलाम भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रफीक सहल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सही। अच्छा रफीक सहल साहब, माशाल्लाह आपने जो लिखा बड़ा अच्छा लिखा, कलाम लिखे तो माशाल्लाह फनकारों को अरूज पर पहुंचा दिया। कोई ऐसा कलाम जो पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ हो, जिससे आपकी शोहरत को चार चांद लगे हो, वो कलाम आप हमें अगर तरन्नम के साथ सुना दे तो क्या बात है? असी कलाम है अजमल साजिद की आवाज के, कोट निरावर शहर असाला रोही विच घर बार असादा। तरन्नम के साथ सुना है तो क्या हुआ? आ फूरा ला एक बार थोएगे। कोट डिरावल शहर असादा रोही विच घर बार असादा आ भूरा ला एक बार सलूक सरे की सरी झूक सरे की ओ सलूक सरे की सरी झूक सरे की कोट डिरावल शारी असादा। एक शेर सुनना मैं, आखिरी शेर। साहिल ते दे रंगले बंगले ते को खुशियां रासे असा मुझे माल दे छेड़ू लब हिन हरदम प्यासे सूला दे नाल संग हे सादा ततड़ी रेत पलंग हे सादा दिल विच हे सच्चा प्यार सलूक सरे की सरी झूक सरे की। सही हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह सीना कलाम जिवे सुना है, मैं उवें तो शायद सुना ना सुना सकां, लेकिन हाजिर सांगे के वो पेश करना पया। क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा। क्या हाल सुनावा दिल यारी किते कुर लावे तड़पावे ते गम खावे कोई पुछण लावे रे आवे वेढ़े आवे हथों उल्टा आलम खिलदा कोई महरम राज न मिलदा। आसी ससी दा कलाम पेश करना पया। एक शायर दा लिखा हो एक शेर मैं को याद है उनके जो भी ओ दिलड़ी लुटी तह यार सजन कदी मोड़ मुहारा वतन ओ दिलड़ी लुटी तह यार तेरी रोई दे कंधीड़े तालिया मेरा दुखेन कला दिया वालिया ओ वे मेरा तीन हिजर बिच जा लिया रोही बनायो चाबतन है दिलड़ी लुटी तैयार।